ताला यानी महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की जो उदासीनता अभी भी कायम है। वैसे तो दाह संस्कार में कई दिग्गज लोगों ने कई घोषणाएं भी की, लेकिन वो घोषणाएं कब पूरा होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के परिवार वालों की बहुत कुछ मांगे भी है, बहुत कुछ कहना भी है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। यह वही विद्यालय है जिस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के बाद इनकी चुनाव नेतरहाट विद्यालय के लिए हुआ था। अपने सभी सहपाठियों के साथ खेलने कूदने के बाद डॉक्टर वशिष्ठ नेतरहाट की प्रवेश परीक्षा में बैठे, जहां उनका चयन नेतरहाट के लिए हुई थी। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जब रिसर्च की कॉपी चोरी हो जाने के बाद मानसिक अस्वस्थ के रूप में गांव पर आए, उस समय भी अपने सभी लोगों के साथ मंदिर यानी ब्रह्म स्थान के पास घंटों जाकर पूजा अर्चना भी किया करते थे और बैठा करते थे। कभी कभी वे कहीं कुछ गणित की सूत्र को लिख दिया करते थे। इतना ही नहीं, गांव की युवाओं को हर समस्या को गणित की सूत्र को समझाते थे, बताते थे। महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ के घर से मात्र कुछ ही दूरी पर यह ब्रह्म बाबा का एक स्थान है, जहां पर हमेशा आकर वो बैठा करते थे और बैठने के बाद पूजा अर्चना भी किया करते थे। पूजा अर्चना के साथ ही वो हमेशा कुछ न कुछ लिखते भी पढ़ते थे। इस ऐसी यह सारी बातें गांव के ही लोग कहा करते हैं कि जो उनके साथ रहते हैं। क्या कहेंगे? हाँ सर, अगर गांव पर रहते थे तो घूम फिर के इस स्थान पर आते थे और कुछ देर यहाँ रुक कर अपने हाथ से कुछ लिखते थे, और हाथ में एनी टाइम उनके कलम कापी कभी कभी बांसुरी भी लिया करते थे। तो है कि हमारा कहना है सर। क्या कहेंगे? वो यहाँ बराबर आते थे, आने के बाद जब इंसान आदमी को देखते थे, एक ही लिखाई नहीं और चूना दोनों भी मांगते थे। वो दोनों लेने के बाद बांसुरी अपना हाथ लेकर सीधे अपने घर के रास्ते पकड़ के फिर जाते थे। फिर जहाँ बिजली के पोल देखते थे, उस पोल पर जो उनका इच्छा करता था वो अपना लिखते थे और लेकर सीधे रास्ते पकड़ते थे। जिस रास्ते में आदमी कोई भी आदमी मिलता था, उस समय वो अपना हाल समाचार, ठीक है, क्या करता रहो, ऐसे पूछ के अपना रास्ता पकड़ लेते थे। जो लिखते थे बिजली के पोल पर जी, वो गणित का कोई सूत्र लिखा करते थे? गणित के सूत्र लिख रहे थे। वो आपको समझ में आता? नहीं, हमको क्या किसी और का समझ में नहीं आता था, लेकिन लिखते थे गणित। लिखते थे, हाँ, गणित के सूत्र लिखते थे। आपने सुना, हमेशा इस जगह पर बैठा करते थे और बिजली के खंभे पर या कहीं पर गणित का सूत्र को लिखा करते थे, ताकि बच्चे उस सूत्र को याद करें, समझ सके। लेकिन वह सूत्र वैसा सूत्र जो समझ के परे था, और इसी के चलते बच्चे समझ नहीं पाते। हर बच्चों के साथ रहना उनकी काफी कुछ खुशी थी, उनकी इच्छा थी अपने वशिष्ठ। महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन पर कई राजनीतिक दल के लोगों ने अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त किए हैं। पुत्र धरोहर और विश्व के महान गणितज्ञ, जिन्होंने आइंस्टीन के सिद्धांत को चुनौती दी, आज हमारे बीच नहीं है। ये पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इसकी भरपाई निकट भविष्य में कहीं नजर नहीं आती है, और क्योंकि हम लोग भोजपुर के रहने वाले हैं और यहाँ के वो लाल थे, गौरव थे, तो पूरा देश तो शोकाकुल है। विशेष रूप से भोजपुर आज गम में डूबा हुआ है, शोकाकुल है। या स्टैचू, उनकी प्रतिमा का निर्माण हो गाँव में, इस प्रकार की कुछ आप क्या कहेंगे? मैं इस पर बहुत करूँगा, और लाइब्रेरी की जहाँ तक बात है, मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि निकट भविष्य में ही
उनके नाम पर यहाँ लाइब्रेरी खुली। भोजपुर ने वैसे लाल को आज खो दिया जिसका गणित के विषय में हर वर्ष में ही नहीं 20 लोगों को टक्कर लगी और इस असामयिक मौत पर भोजपुर जिला अपना संवेदना प्रकट कर रहा है। सबसे पहले हम लोग, हम कांग्रेस परिवार के लोग इस महान गणतज्ञ को जो महा विश्व में विख्यात थे उनके शोक पर, उनके मृत्यु पर हम लोग शोक व्यक्त करते हैं और हम लोग उस परिवार को ढाढ़स बनाने के लिए आए हुए हैं कि जो हमारी सरकार, जो आज की जो सरकार है, उन्हें पूर्णतः जो मान सम्मान मिलना चाहिए था इस महान गणतज्ञ, वो भी नहीं मिला। हम लोग इस परिवार के दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हैं और शोक संवेदना प्रकट करते हैं कि ईश्वर इस परिवार को शक्ति प्रदान करें कि ताकि ये दुख के घड़ी को बर्दाश्त कर सकें। जिला कांग्रेस कमेटी के लोग यहाँ आज भारत ही नहीं विश्व के महान गणितज्ञ जिन्होंने आइंस्टीन को भी चुनौती दिया था अपने मैथमेटिक सूत्र के द्वारा, वैसे लाल को आज भोजपुर जिला ने खोया। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की पार्थिव शरीर को जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने अपने साथ लेकर गांव बसंतपुर पहुंचे, जहां पर कई लोगों ने डॉक्टर बसंत सिंह अमर रहे के भी नारे लगाते हुए मालार्पण किया। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के संबंधी उनके भाई और भतीजा क्योंकि मांग है कि डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की प्रतिमा गांव में लगे, साथ ही लाइब्रेरी के अलावा एक उनके नाम पर स्टेडियम की निर्माण होनी चाहिए। अमेरिका गनी वर्कले कल्पुर्निया यूनिवर्सिटी, कल्पुर्निया यूनिवर्सिटी से वहाँ के PhD वगैरह करके जो कार्य भी प्रोफेसर करके भारत में फिर पुनः 69 में लौट के आई ISI कलकत्ता, ITI कानपुर, टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर बॉम्बे में प्राध्यापन के कार्य करौनी। मानसिक दौरा के चलते आज वहाँ के स्वर्गवास हो गए, ऐसे परिवार दुखी बा। उनका आत्मा के शांति खातिर शुभकामना कही जा रहा है जनता से, परिवार से, जे भी समाज बा, शांति के आत्मा के शांति खातिर प्रार्थना बा, हैं दिव्य आत्मा के जनता से आत्मा के शांति मिले। छोट भाई बनी तीसरा नंबर भाई में बड़ रही वहाँ जी, कैसन लगा सब व्यवहार? बहुत सुंदर व्यवहार रहते रहे, बराबर बबुआ कहते आज तक ले नाम हम सब बुला देते हैं कोई भी काम हो कुछ भी, इतना ज्यादा मानते हैं क्या बताएं, बहुत हम लोग बोलने का। इनका सबसे यादगार कोई चीज आपको माइंड में ये बहुत ज़्यादा बच्चों को इनके सामने, हम लोगों को पढ़ते भी थे तो इनके सामने किसी बच्चे को आप डांटिएगा तो गुस्सा हो जाते थे, हम लोगों को बचपन में भी कोई डांटने लगता था तो उनको डांटने लगते थे, इनके सामने हमको कोई, हम लोगों को कोई डांट नहीं सकता था, इतना थे ना कि कुछ भी हम लोग बचपन में बदमाशी भी करते थे तो पापा के सामने आ जाते थे पापा, तो हम लोग बच जाते थे। आपका जन्म ऐसे घर में हुआ महान कृतज्ञ के घर में, पढ़ाने के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, पढ़ने लिखने का तो इन लोगों का आशीर्वाद ही है, इनके नाम से ही आदमी इस पूरे क्षेत्र का ही है कि हम लोग मैथ में खुद पे खुद सब भगवान प्राकृतिक रूप से मिल जाता है। हम भी PG मैथ से किए हैं, सब कंप्लीट किए हैं, यही है क्या जो पहले जो नहीं मिल पाया इनका सम्मान, ये चाहेंगे सरकार से कि जो इनकी जीत में नहीं मिल पाया सम्मान वो मिले। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह। भोजपुर दर्शन परिवार महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।